चलो बेटा, हम लोग जो पढ़ाई कर रहे थे आते वहां पर, ठीक है। पिछले क्लास में तुमको हम सारा चीज सिखा चुके हैं, ठीक ना, और तुमको बता चुके हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में, ठीक ना। एक्स एक्सिस में हम लोग नो चेंज करते हैं और वाई एक्सिस में चेंज करते हैं। नो चेंज बोलने का मतलब क्या होता है कि साइन थीटा हमारा साइन ही होगा, कॉस को कॉस में ही लिखेंगे, टेन को टेन में लिखेंगे, सेक को सेक में लिखेंगे, कॉसेक को कॉसेक में, एक्स एक्सिस में नो चेंज, कोई भी चेंज हम नहीं करेंगे। बट जब वाई एक्सिस की बात हो तो वाई एक्सिस में हम लोग चेंज कर देते हैं। चेंज क्या करते हैं, अगर साइन रहेगा तो सो कॉस बना देंगे, अगर कॉस रहेगा तो साइन बना देंगे, टेन रहेगा तो कॉट बना देंगे, कॉट रहेगा तो टेन बनाएंगे, सेक रहेगा तो कॉसेक और कॉसेक रहेगा तो सेक। ये सब सारा चीज हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। अब बोला जाए कि हम लोग ये भी सीखे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, जैसे बोला जाए कि एन पाई, ठीक ना, टू एन पाई, टू एन पाई अगर हम बोला जाए तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू एन पाई, क्योंकि हम लोग कुछ भी रखे जीरो, टू एन टू पाई, टू एन प्लस वन इंटू पाई। बोला जाए पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ अगर बात किया जाए तो वहां होता था मेरा क्या, फोर एन प्लस वन इंटू ब्रैकेट वन इंटू पाई बाई टू, पॉजिटिव वाई एक्सिस। और नेगेटिव वाई एक्सिस अगर हम बात करें तो फोर एन प्लस थ्री, क्योंकि रिमाइंडर हमारा थ्री था नेगेटिव एक्स वाई एक्सिस में, तो फोर एन प्लस थ्री और फिर ब्रैकेट क्लोज इंटू हमारा पाई बाई टू। ये सब सारी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं और सारी चीज हमको सिखा दिए। उसके बाद हम लोग कुछ फॉर्मूला भी लिए थे पिछले क्लास में। पिछले क्लास में हम लोग 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा देख चुके हैं। आज के क्लास में उससे आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला नंबर थ्री रिडक्शंस में ही, थर्ड नंबर फॉर्मूला, और थर्ड नंबर बोला जाए कि 180 पर अगर हम देखा जाए, बात किया जाए कि पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा बोलो, ये इसको हम ऐसे थ्री प्लस थीटा, ठीक है, 180 प्लस थीटा बोलो, ये पाई प्लस थीटा बोलो, ठीक है। ज्यादा अच्छा रहेगा तुम लोग रेडियन में याद रखना स्टार्ट कर, ठीक है। काम हम लोग रेडियन में करेंगे तो याद भी अब हम लोग रेडियन में ही रखेंगे, ठीक है। अब यहां समझेगा थीटा, तुमको दिया रहेगा कॉस पाई प्लस थीटा, तुमको दिया रहेगा टेन, तुमको देगा कॉट पाई प्लस थीटा, तुमको देगा सेक पाई प्लस थीटा, तुमको देगा बेटा कॉस एक पाई प्लस थीटा। सबसे पहली बात कि पाई जो है ये कौन से एक्सिस में होगा, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, बताओ पाई कौन से एक्सिस में आएगा, एक्स एक्सिस में आएगा कि वाई एक्सिस में आएगा, एक्स एक्सिस कुंजन कौन से एक्सिस में आएगा, देखो एक्स एक्सिस में आएगा, एक्स एक्सिस बिल्कुल एक्स एक्सिस में आएगा, एक्स एक्सिस पाई हमारा एक्स एक्सिस। और तेरे को हम सिखा चुके हैं का मतलब क्या है, साइन ही होगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा साइन है, यहां पर थीटा है, तो इधर साइड भी हमारा क्या होगा, साइन थीटा, ये भी हमारा पाई है, पाई एक्स एक्सिस, तो चेंज हम नहीं करेंगे, ठीक है। इधर हमारा कॉस है तो इधर भी हमारा कॉस ही होगा, टेन थीटा, कॉट है तो हमारा इधर साइड कॉट ही होगा, यहां तक तो हम लोग कर दिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमको ध्यान ये होना चाहिए कि इसका जो साइन होगा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, इस पर ध्यान जाना चाहिए। इस पर कैसे हम लोग करेंगे, हम लोग ये आप देखेंगे कि पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, बताओ दो बेटा तुम लोग, थर्ड क्वाड्रेंट गुंजन, वेरी गुड, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक, ये आएंगे पाई प्लस थीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हमारा क्या होता
होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव होता है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हमारा नेगेटिव होता है, इसलिए यहां पर माइनस। ठीक है, कैसे माइनस लेके आ रहे, समझ रहा है? जैसे हमको ये बोला पाई प्लस थीटा, तो ये भी थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस, कॉस भी नेगेटिव होता है, इसलिए यहां पर माइनस। ठीक है, अब इसको देखेंगे पाई प्लस थीटा, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, इसलिए यहां पर हम प्लस रखेंगे। आंसर साइड में हम यहां पर, ये मेरा आंसर है, आंसर साइड में हम यहां पर क्या रखेंगे? पॉजिटिव, प्लस रखेंगे। ठीक है, इस पर आते हैं, ये भी पाई प्लस थीटा, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट भी पॉजिटिव होता है, इसलिए राइट साइड में हम पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है, पाई प्लस थीटा, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक हमारा नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक हमारा नेगेटिव होता है, तो राइट साइड में हम क्या, गुंजन का ऐसा मैसेज आ रहा है कि बोर्ड दिख नहीं रहा है, क्या बर्थडे ब्लर दिख रहा है क्या सभी बच्चे को? यस, नेटवर्क इशू होगा तो आवाज थोड़ा, यस सर, कैन नॉट सी प्रॉपरली। ओके 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 ओके, समझ गए बेटा, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है समझ में आ रहा है। नेटवर्क की होगा आज तक नहीं है, रुक जाओ कुछ सेकेंड। नहीं तो फिर कुछ सोचें, रुक जाओ कुछ सेकेंड बेटा। आवाज आ रहा है क्या अच्छे से बेटा? यस, ठीक, सुरेश ठीक है, रुक जाओ, दिखाई नहीं दे रहा है बट सुनाई दे रहा है। यस ठीक है, वेरी गुड, दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई दे रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, रुक जाओ कुछ सेकंड। नो सर, इंक्रीज सेंड करो। अच्छा, फिर से लिंक हम सेंड करें क्या? ऐसा करो बेटा, ठीक, हम फिर से लिंक सेंड कर देते हैं। ठीक है, डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, फिर से एक बार लिंक हम सेंड करते हैं, देखते एक बार ट्राई करके फिर से। ठीक है, तो हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं और फिर से अगेन हम एक बार लिंक फिर से सेंड करते हैं ग्रुप में, तुम तो लोग फिर से कनेक्ट करो, देखो अगर अच्छा रहा तो फिर से क्लास कंटिन्यू करते, और ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो फिर कुछ सोचेंगे। ठीक है,